नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो के अंदर इंडिया के टॉप स्टॉक ब्रोकर्स का मैं कंपैरिजन करने वाला हूं, ताकि आपके लिए आसान हो जाए सिलेक्ट करना कि आपके लिए कौन सा स्टॉक ब्रोकर सबसे बेस्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ब्रोकर की, तो यहाँ पर जीरोधा, ग्रो अप स्टॉक्स, पेटीएम मनी और फाइव पैसा, ये पांचों एक डिस्काउंट ब्रोकर है। वहीं एंजल वन एक फुल सर्विस ब्रोकर है। फुल सर्विस ब्रोकर के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विस देखने को मिलती है, जो कि आपको डिस्काउंट ब्रोकर में देखने को नहीं मिलती, लेकिन फाइव पैसा भी कुछ एक्स्ट्रा सर्विस देता है। अब बात करते हैं ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन की, तो जीरोधा का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 2010 में, ग्रो का 2016 में, अप स्टॉक्स का 2009 में, पेटीएम मनी का 2017 में, एंजल वन का 1996 में और फाइव पैसा का 2007 में। तो इन सभी में सबसे पुराना स्टॉक ब्रोकर है एंजल वन। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो जीरोधा इक्विटी, कमोडिटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड करेंसी को सपोर्ट करता है। वहीं ग्रो की बात करें तो ग्रो इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन को सपोर्ट करता है। यहाँ पर आपको कमोडिटी और करेंसी का सपोर्ट नहीं मिलता है। अब स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको इक्विटी, कमोडिटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड करेंसी का सपोर्ट मिलता है। वहीं पेटीएम मनी की बात करें तो यहाँ पर आपको इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन का सपोर्ट मिलता है। वहीं एंजल वन के अंदर भी आपको इक्विटी, कमोडिटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड करेंसी का सपोर्ट मिलता है। वहीं फाइव पैसा के अंदर भी आपको इक्विटी, कमोडिटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन और करेंसी का सपोर्ट मिलता है। यदि आप कम्युनिटी एंड करेंसी में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रो में और पेटीएम मनी में सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, तो जीरोधा के अंदर आपको आईपीओ, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ईटीएफ का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं ग्रो के अंदर आपको आईपीओ, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको बॉन्ड्स का ऑप्शन नहीं मिलता है। वहीं पेटीएम मनी के अंदर भी आपको बॉन्ड्स का ऑप्शन नहीं मिलता है, बाकी सभी में आपको चारों ऑप्शन मिल जाते हैं। अब बात करते हैं एक्टिव क्लाइंट्स की, जीरोधा की बात करें तो जीरोधा के पास सबसे ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स है, 65 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स है। ग्रो की बात करें तो ग्रो के पास 44 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स है। अप स्टॉक्स की बात करें तो 56 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स है। पेटीएम मनी के पास है 5 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स, एंजल वन के पास है 40 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स और फाइव पैसा के पास है 16 लाख प्लस। अब बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में, जब आप जीरोधा में अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपसे 200 रुपये चार्ज किए जाते हैं। ग्रो के अंदर आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं देने होते हैं। अप स्टॉक्स के अंदर कई बार अकाउंट फ्री में भी ओपन होता है और कई बार आपसे 49 से लेकर 249 रुपीज़ भी चार्ज किए जाते हैं। वहीं पेटीएम मनी, एंजल और फाइव पैसा तीनों के अंदर भी आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं देनी होती है। अब बात करते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में, जीरोधा के अंदर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देने होंगे 300 पर ईयर, यानी आपको साल के 300 रुपये देने होंगे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पर। ग्रो के अंदर आपको कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देने होते हैं, यहाँ पर एकदम फ्री है। अप स्टॉक्स के अंदर प्लान चेंज होते रहते हैं, कई बार आपको कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देने होते हैं और कई बार आपसे 49 से लेकर 249 या 300 रुपीज़ तक चार्ज किए जाते हैं। पेटीएम मनी की बात करें तो पेटीएम मनी के अंदर आपको 300 रुपये देने होते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के। वहीं एंजल वन के अंदर आपको एक साल तक कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगता है, वहीं नेक्स्ट ईयर से आपको 240 रुपये देने होते हैं। वहीं फाइव पैसा के अंदर यदि आपकी होल्डिंग 50,000 तक है तो आपको कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगेगा, 50,000 से 2,00,000 तक है तो आपको 8 रुपये पर मंथ लगेगा और यदि 2,00,000 से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको 300 रुपये देने होंगे साल के एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पर। अब बात करते हैं डीपी चार्जेस के बारे में, डीपी चार्जेस वो चार्जेस होता है जब आप डिलीवरी में शेयर बाय करते हैं और जब उसे सेल करेंगे तो वहाँ पर आपसे ब्रोकर चार्ज करेगा। तो जीरोधा के अंदर आपको 13.5 प्लस जीएसटी देना होता है, ग्रो के अंदर आपको 13.5 प्लस जीएसटी देना होता है, अप स्टॉक्स के अंदर आपको 18.5 प्लस जीएसटी देना होता है, पेटीएम मनी के अंदर आपको 13.5 प्लस जीएसटी देना होता है, एंजल वन के अंदर आपको 20 प्लस जीएसटी देना होता है और फाइव पैसा के अंदर आपको 12.5 प्लस जीएसटी देना होता है। अब बात करते हैं ऑटो स्क्रैप चार्जेस के बारे में, ऑटो स्क्रैप चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जब आप इंट्राडे करते हैं लेकिन आप अपनी पोजीशन को कट नहीं करते हैं, तो ये ब्रोकर्स आपकी पोजीशन को कट कर देते हैं मार्केट क्लोज होने से पहले। तो यहाँ पर ये चार्ज करते हैं आपसे, यदि आपने बाय कर रखा है तो ये सेल कर देंगे, यदि आपने सेल कर रखा है तो बाय कर देंगे। तो जीरोधा, ग्रो, अप स्टॉक्स, पेटीएम मनी यहाँ पर आपसे 50 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज करेंगे, एंजल वन आपसे 20 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज करेगा और फाइव पैसा आपसे 40 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज करेगा। अब बात करते हैं कॉल एंड ट्रेड चार्ज के बारे में, कॉल एंड ट्रेड चार्ज वो चार्ज होता है कि आप ब्रोकर्स को फ़ोन लगा के अपना ट्रेड लगवाते हैं, उसके बदले ब्रोकर्स आपसे चार्ज करते हैं। तो जीरोधा, ग्रो, अप स्टॉक्स तीनों ही आपसे 50 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज करते हैं, वहीं पेटीएम मनी आपसे 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्ज करता है, एंजल वन आपसे 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्ज करता है और फाइव पैसा आपसे 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्ज करता है। लेकिन आज के समय बहुत कम लोग हैं कि जो कि कॉल लगा के ट्रेड लगवाते हैं, क्योंकि हर कोई खुद ही ट्रेडिंग कर लेता है। अब बात
बात करते हैं इक्विटी डिलीवरी चार्जेस के बारे में। ये चार्जेस क्या होते हैं? ये चार्जेस वो होते हैं जब आप डिलीवरी में शेयर बाय करते हैं, यानी जिस दिन आप शेयर खरीद रहे हैं उस दिन उन शेयर को आप नहीं बेचते, उसके बाद आप कभी बेच सकते हैं। तो इसके बदले आपसे ब्रोकर चार्ज करते हैं। तो जीरोधा आपसे 0 रुपये चार्ज करता है, ग्रो वहीं आपसे 20 रुपीज़ चार्ज करेगा या 0.05%, जो भी दोनों में से कम होगा, मैक्सिमम 20 रुपीज़। अप स्टॉक्स आपसे 20 रुपीज़ या 2.5%, जो भी दोनों में से कम होगा। पेटीएम मनी आपसे 15 रुपीज़ या 2.5%, विच एवर इज लोअर। वहीं एंजल वन भी आपसे कोई भी चार्ज नहीं करेगा, यहाँ पर भी इक्विटी डिलीवरी फ्री है। वहीं 5 पैसा आपसे फ्लैट 20 रुपीज़ चार्ज करेगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चार्जेस के बारे में, इक्विटी इंट्राडे चार्जेस, यानी जिस दिन आप शेयर बाय करते हैं और उसी दिन उसे बेच देते हैं तो आपसे ब्रोकर्स कितना चार्ज करेगा। तो यहाँ पर जीरोधा आपसे 20 रुपीज़ चार्ज करेगा या 0.03%, मैक्सिमम 20 रुपीज़, जो भी दोनों में से कम होगा वो आपसे चार्ज करेगा। ये मैं आपको पर ट्रेड बता रहा हूँ, यानी बाइंग पे, आपको सेलिंग पे भी सेम आपको देना पड़ेगा। वहीं ग्रो आपसे 20 रुपीज़ चार्ज करेगा या 0.05%, अप स्टॉक्स आपसे 20 रुपीज़ या 0.05%, पेटीएम मनी यहाँ पर सबसे कम ले रहा है 15 रुपीज़ या 0.05%, वहीं एंजल वन भी आपसे 20 रुपीज़ ले रहा है और 0.25%, और 5 पैसा भी आपसे फ्लैट 20 रुपीज़ ले रहा है। लेकिन 5 पैसा के 2 प्लान्स हैं। पहला प्लान है पावर इन्वेस्टर पैक, ये इन्वेस्टर्स के लिए, यहाँ पर आपको 499 रुपीज़ पर मंथ देना होगा। उसके बदले यहाँ पर आप अपना 50% ब्रोकरेज सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री आइडियाज़ मिलेंगे लॉन्ग टर्म मिड टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्री शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल दी जाएंगे। इसके अलावा भी यहाँ पर आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। वहीं दूसरा प्लान है ट्रेडर्स के लिए, यहाँ पर आपको 1000 रुपये का ब्रोकरेज कैशबैक मिलेगा। वहीं इसके अलावा बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से स्टॉक ब्रोकर के साथ जाना चाहिए। मैंने यहाँ पर आपको सभी के इक्विटी इंट्राडे चार्जेस बता दिए। अब बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड कमोडिटी चार्जेस के बारे में। तो जीरोधा यहाँ पर भी सेम चार्ज करेगा 20 रुपीज़ या 0.03%, ग्रो भी आपसे फ्लैट 20 रुपीज़ चार्ज करेगा, अप स्टॉक्स यहाँ पर आपसे 20 रुपीज़ या 0.05%, जो भी दोनों में से कम होगा चार्ज करेगा। पेटीएम मनी यहाँ पर 15 रुपीज़ चार्ज करेगा। वहीं एंजल वन यहाँ पर आपसे 20 रुपीज़ या 0.25%, वहीं 5 पैसा यहाँ पर आपसे फ्लैट 20 रुपीज़ चार्ज करने वाला है। तो यहाँ पर सबसे कम चार्ज कर रहा है पेटीएम मनी 15 रुपीज़ के साथ। अब बात करते हैं एडवांस फीचर्स के बारे में। तो जीरोधा के अंदर आपको डिलीवरी, इंट्राडे, स्टॉप लॉस, GTT यानी गुल ट्रिगर, MO यानी आफ्टर मार्केट ऑर्डर, और CO यानी कवर ऑर्डर देखने को मिल जाते हैं। वहीं ग्रो के अंदर भी आपको सेम देखने को मिल जाएगा। वहीं अप स्टॉक्स में भी यहाँ पर आपको सेम ऑर्डर देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं पेटीएम मनी। पेटीएम मनी के अंदर एक एडवांस फीचर है, वो है वॉइस ट्रेडिंग, यानी आप बोल के अपना ट्रेड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये फीचर्स आपको कहीं और स्टॉक ब्रोकर में देखने को नहीं मिलेगा। एंजल वन की बात करें तो यहाँ पर सभी सेम है, लेकिन यहाँ पर आपको रोबो ऑर्डर देखने को मिलता है, जिसमें आप टारगेट स्टॉप लॉस दोनों एक साथ लगा सकते हैं। वहीं 5 पैसा में भी यहाँ पर सभी स्टॉक ब्रोकर जैसा एकदम सेम है। अब बात करते हैं फ्री ट्रेडिंग कॉल्स की। तो जीरोधा के अंदर आपको कोई भी फ्री ट्रेडिंग कॉल्स नहीं दी जाती, ग्रो के अंदर भी यहाँ पर आपको कोई भी फ्री ट्रेडिंग कॉल्स नहीं दी जाती, अप स्टॉक्स के अंदर भी आपको कोई फ्री ट्रेडिंग कॉल्स नहीं मिलती, पेटीएम मनी के अंदर भी आपको कोई भी फ्री ट्रेडिंग कॉल्स नहीं मिलती। एंजल वन के अंदर आपको फ्री ट्रेडिंग कॉल्स मिलेगी, क्योंकि एक फुल सर्विस ब्रोकर है। वहीं 5 पैसा में भी आपको फ्री ट्रेडिंग कॉल्स दी जाती है। यदि आप इनके प्लान खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है। अब बात करते हैं मार्जिन फंडिंग की। ये एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है, जो कि आपका ब्रोकर्स आपको देता है, उसके बदले आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। यानी आप अपनी पोजीशन को कुछ दिन या कुछ महीनों के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसके बदले आपका ब्रोकर्स आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो ये फैसिलिटी आपको जीरोधा, ग्रो और पेटीएम मनी में देखने को नहीं मिलती है। मार्जिन फंडिंग अप स्टॉक्स, एंजल वन और 5 पैसा प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग या आप न्यू हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मार्जिन फंडिंग का यूज़ ना करें। अब बात करते हैं मार्जिन अगेंस्ट शेयर, यानी आप अपने शेयर्स के बदले भी मार्जिन ले सकते हैं। यानी आपकी कुछ होल्डिंग्स रखी हुई है तो उसके बदले भी आपको ब्रोकर्स आपको मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। तो ये फैसिलिटी यहाँ पर आपको जीरोधा में देखने को मिलती है, ग्रो में देखने को नहीं मिलती है, अप स्टॉक्स में देखने को मिलती है, पेटीएम मनी में आपको देखने को नहीं मिलेगी, एंजल वन और 5 पैसा दोनों में आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सभी स्टॉक ब्रोकर्स के प्लान आपको बता दिए हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से स्टॉक ब्रोकर